नमस्कार दोस्तों, कैसे ब्लॉग, क्या हाल चाल हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना के कारण यानी कोरोना संकट के समय ऑनलाइन पीएफ कैसे निकालते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर आप आईएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे पीडीएफ के लिंक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपके पास होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोगों को। सबसे पहले आपके पास यूएएन नंबर होना ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो पीएफ नंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना ज़रूरी है, बैंक खाता लिंक होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा, दिक्कतें होंगी। और जो अगले डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड और यूएएन का मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए, पासबुक या फिर चेकबुक की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, फ़ोटो साइज 100 KB से अधिक और 500 KB से कम होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, पीएफ निकालने की यानी प्रोविडेंट फंड निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको यूएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बैंक खाता सब लिंक है या नहीं ये भी देखना है, अगर लिंक नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद लिंक हो जाएगा, देख लेते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज का क्लिप चुनना है, उसके नीचे आपको क्लेम दिया होगा विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके बैंक खाते के आखिरी 4 नंबर डालने हैं और यस पे क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। अगले पेज पे आपको एडवांस फॉर्म 30 यानी 31 चुनना है, उसके ठीक नीचे पीएफ निकालने के कारण दिखाई देंगे, तो नया कारण डालना है, आउट ब्रेक ऑफ पैंडेमिक COVID-19 को चुनना है, जो कि कोरोना है ये कारण है। अगले उसके बाद जो है आपको जरूरत की राशि डालनी, जितनी आपको जरूरत उतने पैसे डाल देने, पूरा पता डाल के चेकबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद गेट ओटीपी के पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो भी लिंक है, उसके बाद आपका क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोरोना संकट में आपको जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा।